एक बेहद खूबसूरत महल, मगर उसके चारों तरफ फैली हुई वीरानी और वहां पर खड़ी फलक और उसके साथ कुछ लोग। फलक अभी अंदर जाने ही वाली थी कि एक बहुत ही भयानक आवाज उसे सुनाई देती है। आखिरकार तुम यहाँ आ ही गई शहजादी हयात, खुशामदीद, खुशामदीद। फलक आवाज सुनकर चौंक जाती है और अपनी नजरें घुमाने लगती है और चारों तरफ देखने लगती है कि आवाज आखिर कहां पर से आ रही थी, मगर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। और फिर वह लोग महल के अंदर चले जाते हैं। फलक अभी भी बहुत मुश्किल में थी। ये महल और यहाँ पर से जुड़ी हुई उसकी यादें, उसे बहुत कुछ महसूस हो रहा था। अपने अम्मी अब्बू और अप्पी की दर्द से भरी चीखें सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वह अंदर जा रही थी, वैसे वैसे ही उसकी बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और फिर वह लोग जैसे ही शाही तख्त के पास पहुंचे थे तो एकदम से अंधेरा छा गया था और उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर एक तेज रोशनी हुई थी और फिर जब उन लोगों ने सामने देखा तो वहां पर तख्त पर जिन जाफर बैठा हुआ था और उसके पास माहिरा खड़ी थी। माहिरा फलक को देखकर मुस्कुराने लगती है और जिन जाफर ने अपना चेहरा छुपा रखा था हमेशा की तरह। फलक एक पल के लिए कुछ समझ नहीं पाती है कि इसने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है, भला ऐसा क्या है इसके चेहरे पर। फलक बस चुपचाप खड़ी थी और उन दोनों को देख रही थी। तभी माहिरा की नजर हकीम बाबा पर पड़ती है और वह उन्हें जिंदा देखकर बहुत हैरान रह जाती है कि ये जिंदा है मगर कैसे। और जाफर को तो बस फलक से मतलब रहता है, तो वह फलक की तरफ देखता है और कहता है, तो शहजादी इतने सालों बाद कैसा लगा वापस अपने महल में आकर, और तुम बादशाह के खास वजीर हुआ करते थे ना, इतने सालों बाद लौट कर आए हो, वो भी इस जिन शहजादी के साथ, क्या सोचकर कि मुझे हरा दोगे। वह हंसने लगता है। जाफर इतना कहकर फलक और फकीर बाबा को देखकर और जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी हंसी महल की चार दीवारी में गूंजने लगती है। सीधे सीधे बताओ मेरे घर वाले कहाँ हैं, वरना मैं तुम्हें। फलक उसे हंसता हुआ देखकर बहुत ही गुस्से से कहती है और उसकी आंखें हरी हो जाती है और वह जिन शहजादी का रूप ले लेती है। ओह मैं तो डर गया, बहुत ही डर गया, जाफर कहता है और फिर से हंसने लगता है। मेरी बात सुनो शहजादी, अगर अपने घर वालों को जिंदा और सही सलामत चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, वरना। जाफर एक बार फिर से फलक से कहता है। फलक कहती है, वरना क्या। वरना माहिरा जरा शहजादी को उनके घर वालों से तो मिलाओ, जाफर माहिरा को कहता है। और माहिरा एक चुटकी बजाती है और फलक के सारे घर वाले उसके सामने हाजिर हो जाते हैं। मगर ये क्या, वह सारे तो पत्थर के बने हुए थे, बेजान भूत की तरह लग रहे थे। फलक उन्हें ऐसी हालत में देखकर तड़प उठती है। वह चीखती है, अम्मी अब्बू भाई जान क्या हुआ है आप सबको। वह उनकी तरफ बढ़ती है, मगर फिर जैसे ही वह कदम बढ़ाती है एक जोर का झटका खाकर जमीन पर गिर पड़ती है। फिर वह जाफर की तरफ देखते हुए कहती है, क्या किया तुमने इनके साथ। जाफर अपने चेहरे पर खौफनाक हंसी सजाए हुए कहता है, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है, मगर कर सकता हूँ अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। फलक मजबूर हो जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। और फिर आखिर में उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है तो वह जिन जाफर से कहती है, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, मगर पहले मेरे घर वालों को ठीक करो। नहीं, आगा पहले इसे कहें कि अपनी तावीज जिन से कहकर उन तीनों जिनों को आजाद कराए, फिर हम इसके घर वालों को आजाद कर देंगे। अचानक से माहिरा बीच में बोल पड़ती है और तभी हकीम बाबा उससे कहते हैं, बहुत ही मक्कार औरत है तू माहिरा, मैंने तेरी जान बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। माहिरा बोली, तूने मेरी जान बचाई और मैंने तुझे जिंदगी दी, आज चला जा यहाँ से, वरना बेमौत मारा जाएगा इन सब के साथ तू भी। हकीम बाबा कहते हैं, कमबख्त शैतानी दिमाग, मैं तुझे अभी। हकीम बाबा माहिरा के ऊपर बहुत ही गुस्से में कुछ फेंकने वाले रहते हैं। उनके हाथ में तिलस्मी धूल रहती है जिससे जिन जख्मी हो जाते हैं, मगर फलक उनका हाथ पकड़ लेती है और उन्हें रोक लेती है कि अभी नहीं, अभी मुझे अपने घर वालों को ठीक करना है पहले, उसके बाद ये सब। फलक हकीम बाबा का हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए इशारे से समझाती है। तभी जाफर फलक से कहता है, तो चलो शहजादी एक सौदा करते हैं, हम और तुम उन तबाही जिनों को रिहा कर दो और मैं तुम्हारे घर वालों को आजाद कर दूंगा उसी वक्त।
फलक कहती है, ठीक है बताओ मुझे करना क्या है। ये हुई ना शहजादियों वाली बात, तो चलो मेरे साथ। कहते हुए जाफर वहां से चलने लगता है और माहिरा भी उसके साथ रहती है और फलक और बाकी लोग पीछे पीछे चलते रहते हैं। थोड़ी देर बाद वह सब लोग एक तहखाने के पास पहुंचते हैं और जिन जाफर वहां पर रुक जाता है और फिर वह एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये है वो दरवाजा जो तीनों तबाही जिनों के दरवाजे को जोड़ता है और तुम्हें इसे खोलना है अपनी पूरी ताकत लगाकर। और हाँ ध्यान रहे कोई भी चलाकी नहीं, वरना तुम्हारे घर वालों को माहिरा एक चुटकी में चूर चूर कर देगी। वह यह कहता है और जोर जोर से हंसने लगता है, मगर फलक को उसकी हंसी सुनकर अजीब सी दहशत महसूस होने लगती है कि अब मैं क्या करूं, क्या इस दरवाजे को खोल दूं, और अगर नहीं खोला तो फिर मेरे घर वाले। बहुत से सवाल थे उसके मन में और बहुत ही उलझनों में फंसी हुई थी और आखिर में उसने फैसला कर लिया था कि उसे करना क्या है। काबिज जिन खोल दे ये दरवाजा और आजाद कर दे उन तीनों तबाहियों को। और फिर फलक के गले में जो ताबीज रहता है वह चमकने लगता है और फिर एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है उसमें से और चारों तरफ उजाला सा छा जाता है। फिर फलक के हाथ में उसका हथियार आ जाता है और वह जिन जाफर पर हमला कर देती है, मगर जिन जाफर पहले ही फलक की चाल समझ जाता है और वह माहिरा को अपने आगे खड़ा कर देता है और माहिरा फलक के वार से जख्मी हो जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है, तड़पने लगती है। जाफर भी फलक पर वार करने लगता है, अपनी तिलस्मी ताकतों से वह फलक पर हमला करता है और उधर तबाहियों के जिन का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। इधर फलक और जाफर में तिलस्मी ताकतें लड़ रही होती हैं। शयान भी अपनी ताकतें इस्तेमाल करता रहता है कि वह दरवाजा खुल ना सके पूरी तरह से, वरना कयामत आ जाएगी। तो इधर हकीम बाबा और फकीर बाबा माहिरा के पास पहुंचकर उसे देखते रहते हैं कि वह दर्द से तड़प रही होती है, मगर फिर हकीम बाबा को उस पर एक बार फिर से रहम आ जाता है और वह उससे कहते हैं, अगर जिंदा रहना चाहती है तो बता इस जिन जाफर की जान किस में बसती है। और माहिरा मजबूर हो जाती है, वह सोचती है कि क्या सोचा था और क्या हो गया था, और अगर अपनी जान प्यारी है तो इन्हें बताना ही पड़ेगा। और वह आखिर में कहती है, जाफर को कोई मार नहीं सकता है, उसे ये वरदान है, उसे हराना है तो उसका नकाब उतार दो। और फिर हकीम बाबा माहिरा को दवा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फकीर बाबा से फलक को ये सब बताने के लिए कहते हैं। फकीर बाबा फलक को ये बताने के लिए जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं, जाफर अपने वार से उन पर हमला कर देता है और वह बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और सयान जोर से चिल्लाता है, बाबा। फलक उन्हें पकड़ी हुई रहती है, वह जमीन पर धीरे धीरे गिरते जा रहे थे और सयान सब कुछ छोड़कर उनके पास दौड़ता हुआ पहुंचता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह कलमा पढ़ रहे होते हैं और उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, मगर वह अपने हाथ के इशारे से जाफर के नकाब की तरफ इशारा करते हैं और फलक समझ जाती है कि वह कहना क्या चाहते हैं। वहीं सामने खड़ा जाफर उन सब की हालत देखकर बहुत खुश होता रहता है और तभी फलक अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर वह अपनी आंखों को खोलती है। उसकी आंखों में आग जल रही होती है, वह शदीद गुस्से में रहती है और फिर वह अपने हथियार से जाफर के चेहरे पर लगे हुए नकाब पर हमला कर देती है और उसके चेहरे पर से नकाब हट जाता है। जाफर अपने चेहरे को हाथ से छूने लगता है, उसका चेहरा बेहद बदसूरत और भयानक था। और फिर फलक उस नकाब को उस खुलते हुए दरवाजे के अंदर उड़ा देती है और जाफर भी उसके साथ साथ अंदर ही चला जाता है। और फिर फलक कहती है, ताबीजे जिन दरवाजा बंद कर दो। और फिर उसके हथियार से रोशनी निकलकर उस दरवाजे को बंद कर देती है। फलक फिर से अपनी आंखों को बंद करके खोलती है तो वह पहले की तरह हो जाती है, मगर उसे अफसोस इस बात का रहता है कि वह फकीर बाबा को बचा नहीं पाई थी। और सयान उन्हें अपनी गोद में उठाकर वहां से ले आता है और माहिरा भी ठीक हो जाती है और फलक के घर वालों को भी ठीक कर देती है। फलक को उसका तख्त वापस मिल जाता है और फिर वहां की आवाम उसे वहां की मालिका बना देती है। फलक अपने घर वालों को लेकर अपने घर आ जाती है और हकीम बाबा की मदद से वह अपने घर में एक बार फिर से जादुई रेत को फूंक मारकर उड़ा देती है, मगर इस बार कुछ अलग ही रहता है कि किसी को भी अनाविया के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता, ना ही नसीर की शादी के बारे में। सब लोग सब कुछ भूल चुके होते हैं और फलक अब बहुत खुश थी कि अब सब कुछ ठीक हो गया था। माहिरा बहुत दूर आ चुकी थी और हकीम बाबा भी चले गए थे और सयान ने अपने बाबा यानी फकीर बाबा को भी जिन्नातों के शहर में ही
नमाज जनाजा पढ़वाने के बाद वहीं के कब्रिस्तान में दफन करवा दिया था और कहीं चला गया था। कहां ये तो फलक को भी नहीं पता था। बस इतना कहा था कि आप जब भी मुझे याद करेंगी मैं हाजिर हो जाऊंगा शहजादी हयात। वक्त गुजर रहा था और अब फलक की जिंदगी में फिर से खुशियां आने वाली थी। उसकी और फरहान की शादी होने वाली थी और अब वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के बारे में सोच रही थी। उसका महल उसे वापस मिल गया और अब वह जब चाहे पल भर में अपनी तिलस्मी ताकतों का इस्तेमाल करके वहां पहुंच सकती है। और यहां पर वह अपने घर वालों के साथ फलक बनकर रह रही थी। वह दोहरी जिंदगी जी रही थी। सफर मुश्किलों से भरा हुआ था मगर अब वह बिल्कुल तैयार थी उन सब के लिए। एक बहुत ही अंधेरा कमरा और वहां पर खड़ा एक आदमी जिसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है वो? और उसके पास खड़ी एक औरत दोनों बातें कर रहे थे। वह आदमी बोलता है, सब ठीक से हो गया ना? किसी को शक तो नहीं हुआ? वह औरत बोलती है, नहीं मेरे आका, सब हो गया था और अब बस आपकी बारी है अपनी साजिश को अंजाम देने की। हमारा आखिरी कदम और बस मंजिल हमारे बहुत करीब होगी। वह आदमी कह रहा था और फिर वह एक बार में ही एक इंसान से एक परिंदे में बनकर उड़ गया था। और वहां खड़ी वह औरत उसे जाते हुए देख रही थी और जब वह पलटी थी तो वह और कोई नहीं माहिरा थी, एक जिन तिलस्मी ताकतों की मालिक। अब कौन सी नई कहानी शुरू होने वाली थी? वह आदमी कौन था जो अचानक से इंसान से एक परिंदे में बदल गया था? क्या राज है उसका और कौन सी साजिश की बात कर रहे थे ये दोनों जिससे फलक अनजान है? तो दोस्तों, कहानी को कंटिन्यू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही कहानी आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ। और अगर आपको कहानी अब तक अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। तो चलिए दोस्तों, कहानी को कंटिन्यू करते हैं। हादसों के बाद की हकीकत और फलक की जिंदगी में आने वाले नए नए मोड़ और उन रास्तों पर दौड़ती हुई फलक और सबसे जूझते हुए आखिरकार वह अपनी मंजिल तक पहुंच गई थी और कामयाब भी थी। और अब उसे यकीन हो गया था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और अब वह सुकून से अपनी जिंदगी जी सकती है। घर में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, हर तरफ शोरगुल मचा हुआ है और पूरा घर रिश्तेदारों और मेहमानों से भरा हुआ है। फलक की शादी है और वह बहुत ही खुश है कि अब उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। और वह दुल्हन के जोड़े में सजी सवरी हुई थी और फरहान के आने का इंतजार कर रही थी कि कब वह आए, और उसकी आंखें और मुस्कुराते होंठ उसके बारे में सोचकर ही मुस्कुरा रहे थे। खान साहब और नजमा भी बहुत खुश थे और उसके सारे भाई मेहमानों की खातिरदारी में मसरूफ थे। फलक अपने कमरे में बैठी हुई थी और उसकी सहेलियों ने उसे घेरे हुए रखा था। और तभी बारात के आने की आमाद हुई थी और वह सब उठकर कमरे से बाहर चली गई थी। और फलक अब कमरे में अकेली थी। वो उठती है और खिड़की से बाहर झांकने लगती है कि शायद फरहान दिख जाए, मगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। भीड़ बहुत ज्यादा थी और फिर वह जैसे ही मुड़ी थी तो वह हैरान रह गई थी। उसके सामने सयान खड़ा था और वह बहुत ही अजीब सी नजरों से उसे देख रहा था, जैसे बहुत घबराया हुआ था और डरा हुआ था। मगर क्यों और किस लिए? आखिर ऐसा क्या हो गया था अब? और अचानक वह यहाँ पर कैसे आ गया था? और अब वह मेरे पास क्यों आया था? सब कुछ तो ठीक हो गया था, फिर अब क्या? वह उसे देख रहा था और फलक भी उसे देख रही थी। और तभी सयान ने जो कहा था उसे सुनकर फलक हैरान रह गई थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या कह रहा था। सयान बोला, शहजादी हयात, आप ये शादी नहीं कर सकती हैं, फरहान एक इंसान नहीं है। फलक भूली, क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। सयान बोला, नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। आपकी जिंदगी को खतरा है उससे, आप अभी चले यहाँ से मेरे साथ। उसने फलक का हाथ पकड़ लिया था और उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहा था। और तभी फलक ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए उससे कहा था, हाथ छोड़ो मेरा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ और तुमसे तो मैं अभी मिली हूँ, मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूँ? क्या पता मुझे तुमसे ही खतरा हो? शहजादी, आप मुझ पर शक कर रही हैं? अपने वफादार गुलाम पर जिसने आपकी खातिर अपने वालिद को खो दिया था? सयान ने उसका हाथ छोड़ दिया था
और फिर वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया और अचानक से हवा में गायब हो गया था। और फलक बस हैरान हो रही थी कि अचानक से उसे क्या हो गया था और क्यों वो ये सब कह रहा था। भला फरान से मुझे कैसा खतरा हो सकता है, वो तो मुझसे मोहब्बत करता है। और फिर सयान, उसने ऐसा क्यों कहा था? क्या वो सच बोल रहा था या फिर कुछ और ही था? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वह बस सब कुछ सोचती जा रही थी। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी और उसकी सहेलियां वापस आ गई थी। और फिर उसमें से एक ने कहा था, फलक बारात आ गई है और निकाह का वक्त हो रहा है और तुम्हें नीचे बुला रहे हैं सब लोग। फिर फलक उनके साथ कमरे से बाहर आ गई थी। घर के हॉल में सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। और फिर उसकी अम्मी उसके पास आई थी और उसे लेकर सजे हुए स्टेज पर बिठा दिया और सब लोग भी वहां पर बैठ गए थे। और बीच में पर्दा लगा हुआ था और पर्दे के दूसरी तरफ फरान बैठा हुआ था। निकाह हो गया और फिर फलक अपने घर वालों को अलविदा कहकर फरान के साथ उसके घर में दाखिल हुई थी। ये उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत थी। सब कुछ ठीक चल रहा था मगर कहीं ना कहीं फलक के मन में सयान की आवाज गूंज रही थी कि उसकी जिंदगी को खतरा है। और वह बार बार यह सोचकर डरी जा रही थी कि कहीं वो सच हो गया तो। वह अपने कमरे में दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी और फरान का इंतजार कर रही थी। सारा कमरा फूलों से सजा हुआ था और हर तरफ गुलाब की खुशबू बिखरी हुई थी। और तभी कमरे का दरवाजा खुला था और कोई अंदर आया था। और फलक ने सर उठाकर देखा था और वह धीरे धीरे चलते हुए फलक के नजदीक पहुंच गया। और फलक ने जब अपना चेहरा उठाकर उसे देखा तो वह हैरान रह गई। एक बार फिर से उसके सामने महिरा खड़ी थी। फिर तभी किसी और की भी आहट सुनाई दी थी पीछे से आने की। और फिर वह फरान था और महिरा के ठीक बगल में आकर वो खड़ा हो गया था। दोनों ही उसे अजीब से नजरों से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट बहुत ही भयानक लग रही थी। और फलक कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि अचानक महिरा कहां से वापस आ गई थी और फरान क्यों उसके साथ खड़ा था। उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था। और फिर तब महिरा ने एक झटके से उसका घूंघट हवा में उड़ा दिया था और फिर जोर जोर से हंसने लगी। और फरान भी हंस रहा था। उन दोनों की हंसी बहुत ही भयानक थी और पूरा कमरा गूंज रहा था उनकी आवाज से। और फलक को यह सब सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को ढककर रखा था। और तभी वह उठकर बेड पर से नीचे उतर गई थी और दोनों को धक्का देते हुए कमरे में से भागी थी और भागती जा रही थी। उसके जहन में बार बार सयान की बातें गूंज रही थी कि उसकी जिंदगी को खतरा है, फरान इंसान नहीं है और वह सच कह रहा था। वह सोच रही थी और भागती जा रही थी। वह घर से बाहर निकल आई थी और दौड़ती जा रही थी। उसके पैर थक गए थे और वह लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। और फिर जैसे ही उसने उठने की कोशिश की तो उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ी। उसके हाथों की मेहंदी खून की तरह लाल हो गई थी और उनसे खून टपक रहा था। और उसके सामने फरान खड़ा था और महिरा भी उसके साथ थी। बहुत ही बेवकूफ हो तुम हयात, किसी पर भी बहुत ही जल्दी एतमाद कर लेती हो, फरान ने कहा था। और फलक बस उसे देखती रह गई थी। और आखिर में उसके मुंह से निकला था, कौन हो तुम? वह हंसने लगता है, अब की ना सही बात, फरान कह रहा था और हंस रहा था। और फलक उसका भयानक चेहरा देखकर हैरान रह गई थी कि क्या ये वही फरान है जिसे मैं इतने सालों से जानती थी और जो ये मुझसे और मैं उससे मोहब्बत करती थी? कहीं ये कोई और तो नहीं है? इतने गौर से क्या देख रही हो? मैं फरान ही हूँ, तुम्हारा सौहर, और माहिरा भी मेरी खास कनिज है। और मैं हूँ करिश्माई जिन, एक शैतानी ताकतों से भरा हुआ एक तिलस्मी जिन हूँ। आखिरकार इतने सालों के इंतजार के बाद तुम मुझे मिल गई थी और अब मैं तुम्हें मारकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी तख्त पर बैठ जाऊंगा और फिर तुम्हारी सारी ताकतों का मालिक बनकर इस दुनिया पर हुकूमत करूंगा, वो कह रहा था। और फलक बस उसके इस भयानक रूप को देख रही थी। डर और दहशत उसे घेरे हुए थे। मगर तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना फरान, उसने कहा था। बहुत ही नदान हो तुम शहजादी, अभी तक वहीं पर अटकी हुई हो। कहा ना, मैं फरान नहीं, करिश्माई जिन हूँ और मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती सिवाय तिलस्मी ताकतों के। और ये सब जो कुछ आज तक तुम्हारे साथ हुआ था, अभी तक अनाविया, फिर जाफर का कैद होना, वो सब मेरी साजिश थी क्योंकि मुझे पता था
कि उनके जिंदा रहते मैं कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता था, और तुम पर मेरी नज़र आज से नहीं बल्कि सालों से थी, और अब मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब आ गया हूँ, तो चलो यहाँ से मेरे साथ, फरहान ने कहा था और फलक को उठाया था और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अचानक हवा में कहीं गायब हो गया। फिर वह लोग एक बहुत ही अजीब सी जगह पहुंच गए थे जहां हर तरफ शीशे ही शीशे लगे हुए थे, और फरहान ने उसका हाथ पकड़ रखा था और बस चलता ही जा रहा था, और माहिरा उसके पीछे पीछे चल रही थी। दोनों ही मुस्कुरा रहे थे, खौफनाक चेहरा था उन दोनों का, और फलक की आंखें नम हो रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपनी ताकतें इस्तेमाल करना चाहती थी मगर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो तो फरहान से मोहब्बत करती थी, भला वो उसे कैसे मार सकती थी। इसी चीज का उसने फायदा उठाया था, और वह उसे बेरहमी से खींचते हुए बस अंदर किसी अंधेरे में लिए जा रहा था। अचानक से वह रुक गया था और उसने उसका हाथ छोड़ दिया था, एक जोरदार उसे धक्का दिया। फलक गिरते गिरते बची थी, और फिर उसने फरहान को देखा जो अपने चेहरे पर अभी भी शैतानी मुस्कान सजाए हुए उसे घूर रहा था। फलक उस कमरे के चारों तरफ देख रही थी, वहां पर कुछ भी नहीं था सिवाय एक बड़े से आईने के अलावा, मगर ये क्या था और फरहान उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया था और अब वह क्या करने वाला था। बहुत ही अजीब सी जगह थी जहाँ फलक आ गई थी, और उसके हाथ को फरहान ने पकड़ रखा था और बहुत ही तेज धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया था। फलक से उसका ये रूप और ये भयानक चेहरा देखा नहीं जा रहा था, और वह बहुत हैरान थी और डरी हुई भी थी कि आखिर इतने सालों तक वह मेरा इस्तेमाल करता रहा और मैं उसे पहचान तक नहीं सकी थी। आखिर मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, जो मैंने उसे अपना सब कुछ समझा, और अब तो मैं उसके निकाह में हूँ। अब क्या करूँ और कहाँ जाऊँ, मैं उससे तो नहीं लड़ सकती हूँ और ना ही उसे मार सकती हूँ। बहुत ही मुश्किल में फंसी हुई थी फलक, और उसके सामने खड़े फरहान और माहिरा दोनों ही उसकी बेबसी पर हंस रहे थे। आखिरकार अब मैं इस दुनिया का मालिक बन जाऊंगा, बस कुछ देर और, जैसे ही आसमान में पूरा चांद निकलेगा और उसकी रोशनी इस तिलस्मी आईने पर पड़ेगी, और फिर उस आईने की तिलस्मी दुनिया का दरवाजा खुलेगा, मैं अपनी ताकत से इस जिन सहजादी को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लूंगा, और फिर इसकी सारी ताकतें मुझ में समा जाएंगी। माहिरा इंतजाम शुरू करो, बस चांद पूरा होने ही वाला है, फरहान कह रहा था, और उसके चेहरे पर जो भयानक हंसी थी वह धीरे धीरे तेज हो रही थी, और जमीन पर ढेर होकर गिरी फलक खुद को संभाल रही थी। और फिर तभी फरहान ने उसे उठाया था और आईने की तरफ बढ़ रहा था, और फलक बस उसे देखती जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये क्या, उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू लाल खून की तरह थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और वहीं पर खड़ी हुई माहिरा उसे देखती है और कहती है, लगता है शहजादी आपको दिल से मोहब्बत करती थी मेरे आका, जरा देखिए तो सही, इनके आंसू लाल रंग के निकल रहे हैं। वह कह रही थी तभी फरहान ने फलक को पलट कर देखा था और हंसने लगता है, कमबख्त मोहब्बत इंसान की जान लेते सुना था, मगर एक जिन भी इसका कायल हो सकता है, ये पहली बार देखा है, मगर मुझे इससे क्या, मुझे तो बस तिलस्मी ताकतों से मोहब्बत है और मैं तो बस शैतान की इबादत करता हूँ। वह यह कह रहा था और हर बात पर जोर जोर से हंसने लग रहा था, और फिर फलक अपने गले की ताबीज को देख रही थी, वह चमक रही थी, और फिर उसने अपनी आंखें बंद करके ताबीज जिनको याद किया, मगर ये क्या, उसकी ताकतें जाग नहीं रही थी, वह उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, मगर क्यों नहीं कर पा रही थी, वह परेशान हो गई थी, और अब उसे बहुत डर लग रहा था कि उसकी तिलस्मी ताकतें कहाँ चली गई थी, और क्या अब फरहान उसे सच में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर देगा, यानी कि मार देगा। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, वह मन में सोच रही थी, और उसे अपने परिवार के सारे लोग एक एक करके याद आ रहे थे, और वो सारे पल जो उसने बचपन से लेकर आज तक बिताए थे, वो सब कुछ उसके सामने था जैसे। और तभी उसे सयान का ख्याल आया था, और उसने पता नहीं क्यों उसे याद किया था। क्या सोच रही हो शहजादी, कि तुम अपनी तिलस्मी ताकतें क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रही हो, यही ना, फरहान की अचानक आवाज सुनकर फलक ने उसकी तरफ देखा था और वह अपनी सोच से बाहर आ गई थी। तुम्हें कैसे पता ये सब, फलक ने उससे पूछा था। मुझे सब पता है, अब मैं इतना बेवकूफ तो नहीं जो बिना सोचे समझे तुम्हारा सामना करूं और तुम्हारी ताकतों का भी, फरहान ने फिर से कहा था। तुम्हारा मतलब क्या है, फलक ने हैरानी से कहा था।
मतलब ये कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, और जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत है तुम मुझे मार नहीं सकती और ना ही तुम्हारी तिलस्मी ताकतें मुझे तकलीफ पहुंचा सकती हैं। समझी अब मेरी बात या फिर नहीं, फरहान ने कहा था और उसे घसीटते हुए उस तिलस्मी आईने की तरफ लेकर जा रहा था। और फलक खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी, वह अपनी ताकतें इस्तेमाल करना चाहती थी मगर कर नहीं पा रही थी। कभी शहजादी हयात तो कभी फलक नाज, दोनों रूप उस पर हावी हो रहे थे मगर वह अपने होशो हवाज में नहीं थी। उसका दिल कुछ और दिमाग कुछ और कह रहा था, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। और तभी आसमान में पूरा चांद निकल आया था और उसकी रोशनी उस आईने पर पड़ी थी और तिलस्मी दुनिया का दरवाजा खुला था। उसके अंदर से बहुत तेज हवाएं निकल रही थी और साथ ही साथ बहुत तेज रोशनी भी निकल रही थी। और फरहान उस दरवाजे के पास पहुंचते ही फलक को जैसे ही बिठाकर उस पर वार करने वाला था तो अचानक किसी ने फलक को बचा लिया था और उसके सामने आ गया, और फरहान के वार से वह जख्मी भी हो गया था। और डर के मारे फलक की आंखें बंद थी, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने सयान खड़ा था और उसके बदन पर जख्म थे और उनसे खून टपक रहा था और वह खून नीले रंग का था। यहाँ से जाओ हयात, हटो जल्दी से, उसने कहा था। और फलक हैरान थी कि उसने आखिर कैसे और क्यों उसे बचाया था, जबकि उसने उसे कितना कुछ नहीं कहा था, मगर वह फिर भी वहां आ गया था उसके एक बार याद करने पर, बुलाने पर। मगर आज वो मुझे शहजादी की जगह सिर्फ हयात क्यों कह रहा था, और आज उसकी आवाज में कुछ अजीब सी बात है जो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रही थी। फरहान अचानक से सयान को देखकर हैरान रह जाता है। उसके मुंह से निकलता है, तुम जिंदा हो भाई? सयान बोलता है, हाँ जिंदा हूं, पर शायद तुम मर गए हो शैतान की इबादत करते करते, जो आज ये सब तुम कर रहे हो। है दोनों कह रहे थे और फलक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या है ये, दोनों कैसी बात कर रहे हैं। और वहीं पर खड़ी माहिरा भी हैरान रहती है और वह कहती है, मेरे आका वक्त बहुत कम है, जल्दी कीजिए, चांद अब धीरे धीरे आधा होने लगा है। फरहान बोलता है, हट जाओ भाई मेरे सामने से, मेरे पास वक्त बहुत कम है। सयान बोलता है, नहीं हट सकता वरना मैं गद्दार कहलाऊंगा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, जैसे बरसों पहले तुम लोग मेरे लिए मर गए थे। फरहान ने उस पर वार किया था और सयान भी उसे मात दे रहा था, मगर कब तक, वह तो जख्मी था। और आखिर में वह जमीन पर गिर पड़ता है और फलक उसके पास बैठी हुई थी। और फरहान अब फलक की तरफ बढ़ता है, धीरे धीरे उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी है, आंखों में दहशत है और चेहरा काला होता जा रहा था। और फलक बहुत डरी हुई थी। सयान उसकी गोद में दम तोड़ रहा था और तभी उसने आखिर में अपनी आंखें बंद की थी और ताबीजे जिनको याद किया था। फिर उसके गले का वह ताबीज चमकने लगा था और वह अपने शहजादी के रूप में आ गई थी। और उसने फरहान और माहिरा दोनों पर वार किया था एक साथ, ताबीजे जिन जो मुझे कैद करने आए थे, तू इन्हें मिटा दे और हमेशा हमेशा के लिए इस तिलस्मी आईने में दबा दे। फलक का इतना कहना था कि उसके ताबीज से निकलकर एक तेज रोशनी आती है और वह रोशनी तीन रंगों की बौछार के साथ फरहान और माहिरा को खींचते हुए उन्हें तिलस्मी आईने की तरफ ले जाती है। और फिर वह दोनों उस आईने की दुनिया में समा जाते हैं और आईने का दरवाजा बंद हो जाता है और फलक उस आईने पर वार करती है और उस आईने के शीशे को तोड़ देती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। फलक अभी भी चुपचाप बैठी हुई थी और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वह अपने इंसानी रूप में आ गई थी और सयान उसकी गोद में जख्मी हालत में आंखें बंद करके लेटा हुआ था, खून से लथपथ। और फलक रो रही थी कि उसने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को मार डाला था और जिसने उसकी जान बचाई थी उसे भी खोने की कगार पर थी। एक साल बाद, एक बहुत ही शानदार कमरा, हर तरफ फैली हुई रोशनी और बिस्तर पर लेटा हुआ एक शख्स और उसका इलाज करते हुए हकीम बाबा। हकीम बाबा बोलते हैं, बस कुछ दिन और फिर ये पहले की तरह ही चलने फिरने लगेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका, अगर आप नहीं होते तो, एक लड़की उनसे कह रही थी और वह फलक थी। हकीम बाबा बोलते हैं, अरे कुछ भी नहीं शहजादी साहिबा, ये तो मेरा काम है और मैं हकीम हूँ ही जिन्हों के इलाज के लिए, ये तो मेरी पुश्तैनी जागीर है। फलक कहती है,
फिर भी हम आपके शुक्रगुजार हैं बहुत। हकीम बाबा बोलते हैं, अच्छा मैं चलता हूँ, फिर कल आता हूँ। कनी जी ने इनके घर पर छोड़ कर आओ, फलक कहती है। और फिर उस बिस्तर के सिरहाने पर लेटे हुए उस शख्स के पास बैठ जाती है। और वह शख्स और कोई नहीं, सयान रहता है, जिसने उसकी जान बचाई थी और अब वह उसकी जान बचा रही थी। उस दिन जब फलक ने फरान और महिरा को कैद करने के बाद सयान के जख्मों को देखा तो वह और रो रही थी। तभी हकीम बाबा की उसे याद आई और उसने जल्दी से उन्हें याद किया था और हकीम बाबा हाजिर हो गए थे। और उसके बाद वह तीनों फलक के जिन्नात महल में चले आए थे और अब फलक वहीं पर रह गई थी। उसने अपने घर ना जाने का फैसला किया था और अब वह यहीं पर रहने लगी थी, यहाँ की मालिका बनकर, क्योंकि वह आखिर में थी तो एक जिन शहजादी और वह इंसानों के साथ नहीं रह सकती थी। और अब वह अपनी वजह से अपने घर वालों को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए उसने उनसे कभी ना मिलने का फैसला किया था। और बस आखिरी बार जब वह अपने घर गई थी, उसने अपने जादू से उन सब की यादों से खुद को मिटा दिया था, हमेशा हमेशा के लिए। दुख तो बहुत हुआ था उसे, मगर उसे ये सब करना पड़ा था क्योंकि वह अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत करती थी। सयान की हालत अब धीरे धीरे सुधर रही थी और अब वह ठीक हो रहा था। उसने उसे बताया था कि फरान उसका भाई था जो कि शैतानी ताकतों के चक्कर में पड़ गया था और फिर एक दिन वह कहीं गायब हो गया था अचानक से। हमने और बाबा ने उसे बहुत ढूंढा मगर वह नहीं मिला था। उसने अपना रूप बदल लिया जिसकी वजह से हम उसे पहचान नहीं पाए। और फिर एक दिन मैंने उसे देखा माहिरा के साथ उसके असली रूप में, जब तुम्हारी शादी थी उस दिन। मैं तुम्हें मिलने से पहले उससे मिलने गया था, पता नहीं क्यों मुझे उस पर शक हो गया था, मगर वहां पर मैंने कुछ और ही देखा था। वह माहिरा के साथ साजिश रच रहा था और फिर मैं तुम्हारे पास आया था, मगर तुमने मेरा यकीन ही नहीं किया था, सयान कह रहा था। और फलक उसकी बातें सुन रही थी और साथ ही अफसोस भी कर रही थी। और तभी उसने सयान से कहा था, पर तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान क्यों खतरे में डाली, मैं तो कुछ कर ही लेती, आखिर मैं एक जिन शहजादी हूँ जिसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ हयात। और आज से नहीं बल्कि बचपन से, हमेशा से, जब तुम इस महल के बाहर पेड़ों के नीचे खेला करती थी और मैं दूर से तुम्हें देखा करता था और तुम्हारे कहने पर शहजादी हयात के नारे लगाया करता था, तब से। और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया, मगर फिर एक दिन तुम हमें अचानक मिली थी, मगर तब तक बहुत देर हो गई थी। फिर मैंने तुम्हें बताना चाहा था, मगर उस वक्त बता नहीं पाया था कि कहीं तुम मुझे गलत न समझ लो कि मैं भी तुम्हारी तिलस्मी ताकतों के पीछे हूँ, वह कह रहा था। और फलक बस खामोशी से उसकी बातें पलके झुकाए सुन रही थी और उसके आंसू टपक कर सयान के हाथ पर गिर रहे थे। तुम रो रही हो, सयान ने उससे कहा था, नहीं तो खुशी के आंसू हैं, जिसे इतने सालों से चाहा उसने मेरा सब कुछ छीनना चाहा था, और जिसने मुझे चाहा उसे मैंने तकलीफ पहुंचाई। फलक अपने आंसू पोछे जा रही थी और कह रही थी। और तभी सयान ने उसका हाथ थाम लिया और कहा था, बस अब ये आंसू और नहीं बहेंगे, क्या तुम मुझे अपना हमदर्द बनाओगे हयात। और फलक ने अचानक ही उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा था, उसकी आंखें भी नम थी और होठ मुस्कुरा रहे थे। और फलक ने बस अपनी नजरें झुकाकर हामी भर दी थी। एक बहुत ही बड़ा महल और महल के मीनार पर से नीचे की तरफ देखते हुए दो लोग, और दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए और एक के कंधे पर टिकाए हुए एक का सर, और वह हयात है एक जिन सहजादी और दूसरा सयान है एक तिलस्मी जिन, और वह दोनों एक दूसरे के लिए बने थे जो इतने सालों के इंतजार और दहशत, खौफ और साजिशों के बाद भी मिल गए थे और एक हो गए थे। तो दोस्तों कहानी यहाँ खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ प्लीज, आप जितने भी लोग इस कहानी को सुन रहे हो, सब के सब अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।